बुलंदशहर में टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के साथ छतारी पुलिस की हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में दोनों तरफ से चली कई राउंड गोलियां। जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, हुआ घायल। बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आने पर जुर्म करने को लेकर कर रहा है हमेशा के लिए तौबा। मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए बदमाश से पुलिस ने एक ब्रेजा कार, अवैध तमंचा, कारतूस किए बरामद। बुलंदशहर के थाना छतारी इलाके के पंडावल पहासू रोड पर हुई छतरी पुलिस की मुठभेड़। थाना छतारी क्षेत्र अंतर्गत बदमाश के आने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और स्वाट टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक कार को आते हुए जब रोका गया तो उसमें से बदमाश द्वारा फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु तो चिकित्सालय भेजा गया है। उक्त जानकारी से ज्ञात हुआ कि उस बदमाश पर लगभग 1.5 दर्जन अभियोग विभिन्न थानों में दर्ज हैं और वह चोरी के 2 अभियोगों में वांछित चल रहा था। उसके पास से अवैध असलाह, कारतूस, मोबाइल फोन और भेजा कार बरामद हुई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।